क्वेश्चन नंबर दो होगा, पांचवा सवाल है इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल। क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीन दिन का नियत किराया है। मतलब कोई पुस्तकालय है, ठीक है, वो कोई पुस्तक देता है, 3 दिन के लिए तो उसने फिक्स किराया रख रखा है कि इतना तुम्हें देना है तो देना है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर उसके अलावा तुम 3 दिन के बाद चौथे दिन रख रहे हो तो चौथे दिन का अलग किराया तुम्हें देना रहेगा। 3 दिन का नियत किराया तो देना ही देना है, चौथे दिन का किराया अलग होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो सरिता है, उसने क्या 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी है, 7 दिन तक पुस्तक रखी तो उसने क्या किया होगा, 3 दिन तक का तो नियत किराया दिया होगा, बाकी 7 दिन में से 4 दिन बचे ना जिसपे उसने अतिरिक्त किराया दिया होगा। इसी प्रकार जबकि सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 21 रुपए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो, माना नियत किराया, ठीक है, नियत किराया कितना, 1 रुपये, 3 दिन का है ना नियत किराया, तो यहाँ पास 3 दिन लिख लो, माना 3 दिन का नियत किराया कितना, 1 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या किया, माना अतिरिक्त, हाँ, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, सारे दिन का नहीं, प्रत्येक मतलब प्रतिदिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 2 रुपये, ठीक है। तो फिर प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रही, सरिता है, ठीक है, सरिता ने कितने दिन तक लिया, 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है, इसलिए कितने रुपए दिए, 27 रुपए, ठीक है। तो देखो 3 दिन तक तो उसने क्या दिया होगा, नियत किराया, तो 3x प्लस 7 दिन में 4 दिन बचे ना उस पर प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगा होगा, यानी कि 1 दिन अगर वो y दे रही तो 4 दिन का कितना दी होगी, y, तो 3 दिन का x है तो सिर्फ x रहेगा यहाँ पास, ठीक है। और फिर हाँ वो नीत, ये 3 दिन का किराया है, ठीक है, 3 दिन का किराया कितना, x है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ये क्या है, वाई कितना था, प्रत्येक दिन का था, और हमने रखी अतिरिक्त कितने दिन है, 4 दिन, 1 दिन का वाई तो 4 दिन का 4y, अब दोनों का योग कितना है, 27, ये हमारा समीकरण बन गया ए। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार सुशी है ना इसमें, ठीक है, सुशी ने एक बुक रखी है कोई, इसमें कौन थी, सरिता, ठीक है, तो सुशी ने कोई बुक रखी है कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए, मतलब 3 दिन तो उसने 1 रुपये दिए होंगे, ठीक है, और बाकी 2 दिन बचे ना उस पर कितना दिया होगा, 1 दिन का वाई तो 2 दिन का 2y, और 3 दिन और 2 दिन का मिला के किराया कितना है, 21 रुपये, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, विलोपन विधि, ठीक है, हमसे विलोपन विधि से कहा गया है ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कह रहा है तो हम प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक सौ इसमें एक समान है तो मल्टीप्लाई करके बराबर करने की जरूरत तो है नहीं, तो सीधे हम समीकरण एक और दो को घटा देंगे, समीकरण एक और दो को घटाने पर घटा दो तो एक्स प्लस 4y बराबर 27, दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 21, प्लस का था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, घट के कितना देगा, 2y बराबर 27 से 21 गया कितना, 6,
दो एक कम दो, दो तीन छः, वाई बराबर कितना तीन, वाई का मान कितना आ गया हमारा तीन। तो वाई का मान हम क्या कर दें, समीकरण एक या दो में रख दें, किसी में रख दो। तो वाई का मान हमने समीकरण एक में रख दिया, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो रख दो समीकरण एक में। समीकरण एक क्या हमारी x प्लस फोर वाई बराबर सत्ताईस, तो x प्लस फोर और गुणे में y की जगह कितना तीन बराबर सत्ताईस, x चार तीन बारह बराबर सत्ताईस, बारह उधर चला जाएगा तो सत्ताईस माइनस बारह, तो x बराबर कितना आ जाएगा पंद्रह, x बराबर कितना आ गया पंद्रह, y का मान तीन x का मान पंद्रह, मतलब तीन दिन का नियत किराया कितना है पंद्रह रुपये और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है तीन रुपये। तो लिख देंगे हम प्रथम, ठीक है, यहाँ पास ये प्रथम तीन दिन है ना, प्रथम तीन दिन का मतलब होता है सप्ताह के पहले तीन दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है। तो प्रथम तीन दिनों का किराया पंद्रह रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तीन रुपये होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी एंड।